तो चलते हैं हमने सवाल पे 4.7 में, जिसमें कहा गया है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ ए रिएक्शन, क्या टेम्परेचर का इफेक्ट होता है रिएक्शन का। दूसरा, हाउ कैन दिस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कॉन्स्टेंट बी रिप्रेजेंटेड क्वांटिटेटिवली। बच्चों बेटा, आपके सवाल नंबर 4.5 में मैंने क्लियरली बताया था कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसमें से टेम्परेचर भी था, और मैंने बताया था कि टेम्परेचर का इफेक्ट अगर हम 10 डिग्री चेंज, कितना 10 डिग्री डिफरेंस करते हैं, चाहे वो 10 डिग्री आपका 10 टैन सेंटीग्रेड में हो या केल्विन में हो, जिससे हमारा जो रेट है बेटा ये क्या होता है 2 से 3 times इंक्रीज हो जाता है, 2 से 3, क्योंकि 2 से 3 times इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं हमारा काइनेटिक एनर्जी मौसम बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिससे कि हमारा इफेक्टिव कोलेजन बढ़ने लगता है, और जितना इफेक्टिव कोलेजन बढ़ेगा उतना ही हमारा अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और हमारा रेट बढ़ जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार इसमें कहा गया है कि हमें किस तरह से टेम्परेचर जो है वो रेट कॉन्स्टेंट को प्रभावित करता है, किस तरह से, हाउ कैन इट इफेक्ट ऑन रेट कॉन्स्टेंट। सो इट इज क्लियर आर्मियस इक्वेशन, जिसमें क्लियरली कहा गया है कि जो रेट है आपका, जो रेट है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है, ये हमारे पास क्या है बेटा जी, रेट कांस्टेंट, क्या है बेटा जी, रेट कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हमारे पास आर्मियस फैक्टर, ये हमारे पास होता है एक्टिवेशन एनर्जी, ये हमारे पास है गैस कांस्टेंट, क्या बेटा जी, गैस कांस्टेंट, और ये हमारे पास क्या बेटा जी, टेम्परेचर, जो कि केल्विन में, जो कि क्या है, केल्विन में। तो इस इक्वेशन से हम क्लियरली बता सकते हैं कि किस तरह से टेम्परेचर इफेक्ट करता है रेट कांस्टेंट को। बात समझ गए बेटा जी, नहीं क्लियर है, चलते हैं अगले सवाल पे।